एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये काफ़ी डिफरेंट वीडियो है क्योंकि इसमें आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ साड़ीज मेकओवर, कैसे हमने पुरानी साड़ीज से ये ब्यूटीफुल से चार आउटफिट बनाए हैं। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पीस से। पहला है ये अनारकली, मोस्टली हमने अनारकली में ही कन्वर्ट किया है सारे के सारे साड़ीज को क्योंकि अनारकली में पूरा का पूरा फैब्रिक कंज्यूम हो जाता है, वेस्ट नहीं होता, तो इसलिए हमने सोचा कि हम अनारकली में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम लोग कम्प्लीटली फैब्रिक को यूज़ कर सकें। तो सबसे पहला हमने ये डिज़ाइन बनाया है जिसे आप लोग देख सकते हो कि बैक साइड पर हमने बहुत ही खूबसूरत से लटकन्स दिए हैं और फ्रंट पे इस तरह का पैटर्न है कलियों वाला और हमने इसकी कलियों को इस तरह से बनाया है। एक पूरी कली पे वर्क आ रहा है, एक कली पे थोड़ा वर्क कम है क्योंकि जो साड़ीज होती हैं उनमें हाफ पार्ट पे ही जिधर साइड प्लीट्स होती हैं उनके हाफ पार्ट पे ही वर्क होता है। तो इस तरह से हमने एक कली को पूरा फुल वर्क वाला जो कि पल्ले का पोर्शन था उसमें से निकाला और एक पार्ट को हमने प्लीट्स वाले पोर्शन से निकाला है और योक को भी हमने पल्ले के पार्ट से निकाला है ताकि योक पे पूरा वर्क आए फुली। और स्लीव्स भी देखिए आप लोग काफी खूबसूरत सी हैं और स्लीव्स में जो ये फैब्रिक लगाया है ये हमारे पास बचा हुआ मैचिंग का जॉर्जेट फैब्रिक था प्लेन, तो वो हमने यूज किया है और इसमें लाइनिंग भी बहुत ही कंफर्टेबल सैटन फैब्रिक की लगाई है ताकि वेयर करने में भी कंफर्टेबल रहेगा अंदर से भी। तो ये था पहला अनारकली का ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले आउटफिट की तरफ। नेक्स्ट ये थोड़ी वेस्टर्न ड्रेस है, इसको मैंने इस तरह से बनवाया है कि ये एक्चुअली ये एक ऑर्गेंजा साड़ी थी और उस साड़ी में नीचे की तरफ ऐसी स्कैल्पिंग हो रखी थी तो हमने स्कैल्पिंग का यूज करते हुए उसको हमने बॉटम पार्ट पे दे दिया और इसके लिए जो ये अंदर वाली ड्रेस बनी हुई है इसके ये अलग से हमने फैब्रिक लगाया हुआ है और ऑर्गेंजा की जो साड़ी थी उसकी हमने एक ट्रांसपेरेंट सी ड्रेस बना दी है और इसे पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा लुक आएगा। इसे आप वेस्टर्न ड्रेस की भी तरह पहन सकते हैं या फिर मैंने इसके साथ में उसी साड़ी में से ये दुपट्टा भी निकाला है हमने इस तरह का और पूरी की पूरी उस स्कैल्पिंग को यहाँ पे हमने यूज कर लिया है दुपट्टे के बॉर्डर्स पे और इसके साथ एक पैंट भी बना दिया है क्योंकि इसे हम कुर्ता और पैंट और दुपट्टा की तरह भी इसे कैरी कर सकते हैं। इसके पीछे एक कहानी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ऐसा क्यों किया। और आते हैं नेक्स्ट पीस की तरफ। ये भी एक साड़ी से ही कन्वर्ट किया हुआ अनारकली है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस पे हमने एक दूसरी लेस लगाई हुई है जो कि हमारे पास पहले से ही अवेलेबल थी और हमने ये फुल स्लीव्स दी हैं क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इसका कोई भी पार्ट वेस्ट हो और विंटर्स भी हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये, तो हमने बना दिया ये फुल स्लीव्स का और इस तरह का हमने एक पैटर्न क्रिएट किया है जो कि वेयर करने के बाद काफ़ी खूबसूरत सा लुक देता है और इसकी नेक लाइन को बहुत ही इन्हांस कर रहा है। और जब अगर आप बैक साइड पे देखोगे तो बैक का भी नेक काफ़ी स्टाइलिश सा है, ये राउंड नेक है और बहुत डीप है, बहुत ही सेक्सी सा लगेगा। और ये रही जो इसका बॉर्डर था वो पूरा निकाल करके हमने डबल बॉर्डर लगा दिया है इस पर, तो जो इसका फ्लेयर था वो हमने कलियों वाले पैटर्न में ही निकाला है जहाँ पे प्लीट्स होती हैं उस वाले पार्ट से और जो बॉर्डर था उसको हमने डबल करके नीचे लगा दिया ताकि इसका जो बॉर्डर लाइन है वो भी काफी खूबसूरत सी लगे। तो अब आ जाते हैं लास्ट वाले सबसे सुंदर वाले पीस पर और इसका ट्रांसफॉर्मेशन सबसे अच्छा हुआ है और ये वाला सबको बहुत पसंद आया है, ये अनारकली विद जैकेट। इसमें हमने एक्स्ट्रा कोई भी फैब्रिक यूज नहीं किया है लाइनिंग के अलावा और इसकी जैकेट हटा करके मैं इसका लुक दिखाती हूँ। ये बैकलेस टाइप का है और पैडेड, बहुत ही खूबसूरत है ये। और जो इसका भी हमने जो अनारकली वाला पोर्शन लिया है ये सारा का सारा हमने प्लीट्स वाले पार्ट से लिया है, नीचे पूरा बॉर्डर आ रहा है और बैक लुक आपने देख ही लिया है, ये इतना सुंदर सा है। और ये है इसके लटकन। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी जैकेट, ये रही इसकी जैकेट, ये काफ़ी खूबसूरत सी है और इसे हमने पल्ले वाले पोर्शन से निकाला है क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्क था पल्ले पर और ये पूरा का पूरा बॉर्डर हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, फुल स्लीव्स की जैकेट। अब मैंने इन दोनों
ड्रेसेस की कहानी बताती हूँ, क्योंकि ये मैंने अपनी साड़ी से कन्वर्ट कराई हैं, तो इसको मैंने बनाया इस तरह से क्योंकि मैं यहाँ पे भी पहन सकूँ, और ससुराल में पहनने के लिए मैंने ये जैकेट बनवा लिया ताकि वहाँ पे, क्योंकि मुझे स्लीव्स कवर करके रखनी पड़ती हैं तो इसलिए, और इसके साथ में मैं कोई भी दुपट्टा मैच करा लूँगी बाद में, तो अगर मैं इसे इस तरह से भी पहनूंगी तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा, और इसको मैं किसी भी दुपट्टे के साथ कैरी कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से डिज़ाइन करवाया है। आई होप आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आया होगा, और इस वाले को भी मैंने ऐसे बनवाया है कि ड्रेस की तरह मैं कहीं भी कैजुअली पहन सकूं, और फिर मैं इसको अगर मुझे एथनिक वे में पहनना है तो मैं प्लाजो और इसके साथ में इसको मैच करा सकूं। तो काफ़ी दिमाग लगाने के बाद हमने ये सारे पीसेस डिज़ाइन करे हैं मैंने और मेरी सिस्टर ने मिल करके। तो बताइए आपको इन सब में से सबसे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा लगा, कमेंट में बताइए, और इसी तरह के बहुत सारे आइडियाज़ के लिए और क्रिएटिव वीडियोस के लिए हमारे राजकुमारी ड्रेस अप्लाई के प्रिंसेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं आप हमें कॉमेंट्स में बताइए, हमें आपके कॉमेंट्स पढ़ के बहुत ही मोटिवेशन भी मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग राजकुमारी ड्रेस अप्लाई के प्रिंसेस, बाय बाय।